शास्त्रों में धार्मिक मान्यता है कि गौमाता में देवी लक्ष्मी सहित 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। खरगोन में इसी को लेकर गाय सहित उसके बछड़े का पूजन किया गया। यह परंपरा है कि दीपावली पर्व की शुरुआत इसी के साथ होती है। निमाड़ में दिवाली की बारस को गाय बछड़े की संयुक्त पूजा का अपना अलग महत्व है। गौमाता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है। ऐसे में बारस को महिलाओं ने गाय केड़े का पूजन करके पर्व की शुरुआत की। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा निर्वहन में गाय की पूजा के साथ कथा भी सुनाई जाती है। पहाड़, पशु, पक्षी सबका सम्मान किया जाता है। इसी पुरातन संस्कृति से चला आ रहा है कि जिस प्रकार कोले पे बैलों की पूजा होती है उनका महत्व रहता है, ऐसे ही गाय के संदर्भ में प्राचीन काल से जो एक परंपरा चली आ रही है, कहानी चली आ रही है कि बहू की गलती से गाय केड़े और उसके पुत्र की हत्या हो गई, मतलब मारा जाता है, तो ये व्रत करने से वो दोनों जीवित हो जाते हैं, तो उसी को परिपाटी को पालन करते हुए आज तक हम इस पर्व को मनाते आ रहे हैं और इसे याद करते आ रहे हैं। किस तरह की पूजा करते हैं आप इसमें? गाय केड़े को मतलब वो जो पूजा तपन करते हैं हल्दी कंकू वगैरह से, नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, दिए की आरती उतारते हैं, गाय की नजर उतारते हैं और ये कामना करते हैं कि गाय माता ने जैसे उसके केड़े की और बछड़े की और उसके पुत्र की रक्षा करके उसे पुनर्जीवित किया, ऐसे ही हमें आशीर्वाद दे कि हमारा घर समृद्धि, पुत्र पुत्र और धन धान्य से समृद्ध हो। हम आपको बताते हैं, इस दिन खड़े चवले की दाल और हाथ से पीसी ज्वार की रोटी बनाकर खाने का विशेष महत्व होता है, जिसे लेकर निमाड़ के प्रत्येक घर में परंपरा निभाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, खरगोन।